कश्मीर घाटी में आए दिन आतंकी हमले को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा मसीहा भी है जो लोगों को जिंदगी बांट रहा है, और वो शख्स जिसने रक्तदान को ही अपना जीवन धर्म बना लिया है, शब्बीर हुसैन, जिनकी उम्र सिर्फ 42 साल है, रक्तदान के जरिए सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं और दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दान पैसों का या श्रम का नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा दान होता है किसी की जान बचाने के लिए किया गया दान, रक्तदान। ऐसे में आज हम आपको जम्मू कश्मीर के शब्बीर हुसैन खान से मिलवाने जा रहे हैं, जो पिछले 42 साल से रक्तदान कर सैकड़ों जिंदगियों को बचा चुके हैं। स्टार्ट किया आज से 40 साल पहले ही, बल्कि ज्यादा ही, कम नहीं। तो उस वक्त मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी सिलसिले में हमने स्टार्ट किया। तो फिर हमने कंटिन्यू डोनर बेसिस, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ इंसान को करते हैं कि दिल में जगह, कि मैंने सोचा ये सबसे बड़ा चीज़ है। जम्मू कश्मीर के ब्लड मैन के नाम से मशहूर शब्बीर हुसैन ने अब तक 182 यूनिट से ज्यादा रक्तदान किया है, यानी करीब 100 लीटर खून। शब्बीर हुसैन का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है, जो उन्हें यूनिवर्सल डोनर बनाता है। सो जहां भी खून की मांग हुई, शब्बीर हुसैन निकल पड़ते हैं। तकरीबन 1200 से ज्यादा और जितने भी यहां फ्लड हुई, बाकी चीज हुई, उनमें भी हमें हिस्सा लिया है, और मेडिकल कैंपस भी हमने किए हैं मुख्तलिफ जगह, खाली यहाँ नहीं, मुख्तलिफ एरियो में, जहाँ आज तक ये हालत भी नहीं पहुँची। मैंने कोई चीज़ इस वक्त तक कोई चीज़ नहीं सोचा कि मैं मशहूर हो जाऊँ या और कुछ हो, ये मेरे जहन में नहीं था। मेरे जहन में था कि अल्लाह और रसूल हमें इसकी अजर थे। जम्मू कश्मीर में शब्बीर हुसैन 1200 से ज्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन कर चुके हैं। इसके लिए कई बार उनका नाम राज्य पुरस्कार के लिए भी भेजा जा चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि शब्बीर हुसैन जैसे शख्स, जिनके जीवन का मकसद ही लोगों की जिंदगी बचाना है, सरकार उनका सम्मान जरूर करेगी। Z News।